वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। हम कुछ दिन लाइव लेक्चर नहीं दे सके, कुछ वजूहत की वजह से, कुछ टेक्निकल रीजंस थे। आपके कोई भी कमेंट्स हो एफबी पे आप कमेंट करें, और कोई भी ऑन डिमांड लेक्चर्स हो तो ज़रूर कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस को बताएं। मैथ, फिजिक्स, अंडर ग्रेजुएट, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो या बायोलॉजी, मेडिकल में, तो हम आपको ज़रूर लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो कंटिन्यूएशन है मैथ पार्ट वन एफ एस सी की, वो है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमारे पास एक इक्वेशन है सिंपल क्वाड्रेटिक, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप इसकी रूट्स निकालें क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो इसको मैं कह देता हूँ एक रूट इसकी अल्फा है, जो है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू है, और एक रूट इसकी बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू है। अब अगर मैंने सम ऑफ रूट्स निकालना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैं इन दोनों टर्म्स को सम करूँगा, और अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है टू ए, यहाँ पर माइनस बी, ये रहा माइनस बी, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास माइनस टू बी डिवाइड बाई टू ए, टू टू कैंसिल, और यहाँ पर आ जाता है माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाय। सिमिलरली अगर आप इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नीचे आ जाता है फोर ए स्क्वायर, और ऊपर अप्लाई हो जाता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, फोर फोर कैंसिल, ए कैंसिल, आ जाता है सी बाय, यहाँ पर आ जाता है सी बाय। अब सिंपली अगर आप देखें तो सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को देखें तो वो लिखें, इसका मतलब ये है कि हम सिंपली इसी इक्वेशन में से सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, एंड सिंपली अगर हमें अल्फा बीटा अलग अलग निकालना वो भी निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इक्वेजन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो अगर अब इसमें से मैंने अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं टू लगा देता हूँ, अब मैंने ये कॉफिशिएंट वन करना है ताकि मुझे यहाँ पर यहाँ पे वैल्यू मिल जाए, और मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पी बाई टू हो जाएगा, और यहाँ क्यू बाई टू हो जाएगा, यहाँ माइनस भी लगा दूंगा मैं ताकि मैं उस चीज़ को फॉर्म में ले आऊँ। अब ये हो जाएगा सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ना ही सिर्फ ये कि इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा कोई भी इक्वेशन हो उसमें से हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और हर चीज़ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस टू एंड अल्फ़ा बीटा है वो वन है। अब क्या हम इससे ये साबित निकाल सकते हैं कि हमारे रूट्स क्या हैं? इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास अल्फ़ा माइनस वन आएगा और बीटा भी माइनस वन आएगा। तो सिंपली अगर हमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये चीज़ें पता हों तो हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। इवन कि आपके पास इस तरह की टर्म्स हों, फॉर एग्जांपल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो, अल्फा पावर फोर बीटा पावर फोर निकालना हो, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालना हो, तो भी हम निकाल सकते हैं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसमें अल्फा में प्लस टू अल्फा बीटा करता हूँ एंड माइनस टू अल्फा बीटा करता हूँ तो क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, और ये पूरा हो जाता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का और माइनस टू अल्फा बीटा का। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है, सम ऑफ रूट्स भी पता है, हम पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगला आता है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, ये आ गया अल्फ़ा बीटा और ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमने यहाँ वैल्यू निकाली और अल्फ़ा बीटा की हमें पहले से यहाँ से गिवन है वैल्यू, तो हम वहाँ से निकालेंगे। कोई भी इस तरह की कंडीशन हो, आपको रूट्स गिवन होंगी, आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या कोई भी अल्फ़ा बीटा की फॉर्म हो वो आप निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मजीद किसी भी चीज़ की अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से मैथ के किसी भी टॉपिक में आपको ज़रूरत हो तो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन विल गो लाइव फॉर यू, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाएंगे ऑन डिमांड। थैंक्स फॉर कमिंग लाइव एट कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस।